सबसे पहले तो यह बताओ कि माय हीरो एकेडमिया की नई मूवी देखने कौन कौन जा रहा है, क्योंकि हाँ अब ये मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक या दो दिन बाद जाकर देख लूँ। लेकिन क्या तुम लोगों ने गौर किया कि इस मूवी का डिमांड किसी ने नहीं किया था, पर यह मूवी रिलीज हुई? तो यार, वन पीस फिल्म रेड ने कौन सा गुना किया है? काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि वन पीस फिल्म रेड इंडिया में नहीं आएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑडियंस। सही में क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह मूवी इंडिया में आकर ही रहेगा? पर कैसे? सबसे पहले तो PVR इस मूवी को इंडिया में लाने का ट्राई करेगा अगर इसमें उन्हें कोई लॉस नहीं दिखा तो। मैंने हाल ही में अप्रोच भी करा था PVR वालों को, एंड उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे रिक्वेस्ट को हम लोग अपने टीम तक पहुंचाएंगे, एंड यही सेम चीज़ तुम्हें भी करना है। आगे मैं बताऊंगा कैसे। पहले बात करते हैं कि क्यों और कैसे यह मूवी इंडिया में भी आ सकता है। द आंसर इज पॉपुलैरिटी। इसको थोड़ा डिटेल में समझो। सबको पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली को लाने के लिए लिटरली बवाल हो गया था, और मूवी इंडिया में आया भी, पर यहाँ सिर्फ ड्रैगन बॉल का बात नहीं था, इसके साथ बाकी सारे एनिमे मूवीज़ के आने का रास्ता भी खुल गया। फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग विथ यू। नाउ हियर्स अ फैक्ट, वन पीस की ऑडियंस इंडिया में काफ़ी कम है, हाँ डीमन स्लेयर से भी कम। बट अगर तुम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो पूरे एनिमे की ही ऑडियंस इंडिया में कम है, वरना अभी तक तो यार किसी ना किसी के तो मिलियन सब्सक्राइबर्स होने ही थे। बट ऑडियंस कम तो है बट ग्रोइंग है, लेकिन ऑडियंस के मामले में क्लियरली वन पीस फिल्म रेड नहीं आ सकता। लेकिन अभी तो तूने कहा कि यह मूवी इंडिया में आकर ही रहेगा, अबे कहना क्या चाहता है? तो सुनो, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था डीमन स्लेयर के ऊपर, जिसमें मैंने ये कहा था कि यह मूवी इंडिया में आएगा, एंड मूवी आया भी, हाँ पूरे एक साल बाद। जब मैं ये मूवी देखने गया था तब वहाँ पे लगभग 11 से 12 लोग थे, जिसमें से 5 तो हम ही लोग थे, एंड उस दिन बहुत कांड भी हुआ था मेरे साथ। अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताओ। अब बात करें माय हीरो एकेडमिया की, तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया था इसकी मूवी को लेकर, कि इसकी मूवी भी इंडिया में आएगी, एंड यह मूवी इंडिया में आई। खुद की तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार जब मैं कुछ बोलता हूँ और वो सही हो जाता है तो यार अलग ही मज़ा आता है। बट मैं यहां पे यह कहना चाहता हूं कि मूवी इंडिया में आई ऑडियंस की वजह से नहीं, पॉपुलैरिटी की वजह से। अगर बात करें डीमन स्लेयर के बारे में, तो इस मूवी के रिलीज के साथ ही तबाही समझ गया था, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे थे। पर हम सबको पता है कि वन पीस फिल्म रेड लिटरली इसको पछाड़ने के केपेबल है। द रीजन इज सैंक्स। सबको पता है कि सैंक्स का सिर्फ 5 सेकेंड ही फैंडम में आग लगा देता है। सैंक्स का एक छोटा सा न्यूज सुन के ही लोग पागल से हो जाते हैं। तो क्या हो अगर पूरा का पूरा फिल्म ही सैंक्स के ऊपर आए तो? बवाल भाई। अब ऐसा ना हो कि यार सैंक्स फिल्म में बस हेलो बोलने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। जब वन पीस फिल्म गोल्ड आने वाला था तो सबको यही लग रहा था कि इसमें गोल्ड रॉजर देखने को मिलेगा, पर फिर बाद में पता चला कि इसमें तो गोल्ड रॉजर का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन चलो, इस बार देखकर तो यही लग रहा है कि इस मूवी में सैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, वरना ट्रेलर में उसको हाईलाइट नहीं करते। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यार क्या ही तगड़ा एनिमेशन होने वाला है यार। खैर अब छोड़ो, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के बल पे ये मूवी आ सकती है? ऑब्वियसली नहीं, और भी फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि मूवी कितनी महंगी होगी, यानी कि उसके राइट्स कितने महंगे होंगे, एंड ऑडियंस, जो कि मुझे लगता है कि इतनी ऑडियंस है कि मूवी को लाया जा सकता है। पर एक चीज़ तो है, अगर वन पीस फिल्म रेड इंडिया में आएगा तो काफ़ी लेट आएगा। ऐसा ड्रैगन बॉल और डीमन स्लेयर के साथ भी हो चुका है, एंड शायद इस बार भी ऐसा ही हो। मतलब इस मूवी का जब HD क्वालिटी इंटरनेट में लीक हो जाएगा तब जाकर यह मूवी इंडिया में आएगा। अब मुझे नहीं पता PVR ऐसा क्यों करती है, शायद मूवीज के राइट सस्ते हो जाते हैं, एंड इसी वजह से वो लोग इस मूवी को काफी लेट से लाती है। इट मेक्स सेंस, क्योंकि PVR सिर्फ एनिमे मूवीज के लिए इतना बड़ा लॉस नहीं चाहती है, एंड शायद इसीलिए वो लोग इन मूवीज को इतने लेट से लाते हैं और इतने कम टाइम के लिए लाते हैं।
लेकिन चलो ये लोग मूवी कम से कम ला तो रहे हैं, अनलाइक अदर सिनेमास जिनको बस पैसे छापने हैं। लेकिन चलो अब बात करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो इस मूवी को इंडिया में लाने के लिए। सबसे पहले तो पेटिशन बिल्कुल मत बनाना, वह इस बार कोई काम का नहीं। वैसे भी पेटिशन का यूज काफी डिफरेंट होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि डीमन स्लेयर भी तो यार पेटिशन की वजह से ही आया था, तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। भाई सिर्फ 20,000 लोगों ने ही उसमें साइन किया था, कंपेयर टू ड्रैगन बॉल यह कुछ भी नहीं है। पर अगर पेटिशन नहीं तो क्या तुम हमारे प्यारे पीवीआर वालों को मसाज कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो? उनका ऑफिशियल इंस्टा आईडी का अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर मसाज करो उनको। अब मुझे लगता है कि तुम लोग इतने समझदार हो कि बदतमीजी तो नहीं करोगे शायद, और अगर वो लोग तुम्हें कुछ डिफरेंट रिप्लाई करते हैं तो यार मेरे साथ भी शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। कोई मुझे फॉलो क्यों नहीं करता? तो हाँ यार बस इतना ही, चलो इस मूवी को मिलकर इंडिया में लाते हैं। भाई मैं तो इस मूवी को देखकर ही रहूंगा इंडियन थिएटर्स पर, तुम्हारा तो नहीं पता, पर यह मूवी भाई इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। यह मूवी इंडिया में चाहिए ही चाहिए है, तो चलते हैं यार देखने। मैं तो यार रांची में ही देखूंगा, तुम कहाँ देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन यार ये मिस मत करना, इसको देखना ही। तो वन पीस फिल्म रेड इंडिया में फक, तो कुछ मार, तो बिना स्क्रिप्ट के नहीं हो रहा।